इसमें धनिया है, जीरा है, मिर्ची है, अच्छा पुदीना है, खालिस पानी बना होता है, सौंठ और इमली का। मतलब लोग ज्यादा आपके गोलगप्पे से ज्यादा आपके पानी के दीवाने हैं। जी जी बिल्कुल दोस्त, पानी के पैसे ना यहाँ पर पानी बदल जा रहे हैं इनका। यार जो उसका पानी है ना सूंड का, उसकी जो खुशबू है, उसका जो जायका है, तो बहुत अटके। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो आज ये भाई देखो, ये भाई साहब ने पहले शुरू कर दी है। तो ये यहाँ की चाट के और गोलगप्पों के दीवाने, आज हम आए रहमान भाई की रिकमेंडेशन पे मलीर मॉडल कॉलोनी बिल्ली ब्रोस्ट के सामने। तो ये भाई यहाँ पर सुना है कि भाई इनके गोलगप्पे तो अच्छे थे, मगर इनका जो पानी है रहमान भाई, सुना बहुत तारीफ की आपने। ये जो पानी है ना, इसके आप दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि पानी होता है भाई इनका सौंठ का, सही है ना। अच्छा, चीज़ें उसमें ऐसी ऐसी लवाजमात हैं, ये भी आपको डिटेल बताएंगे और आप जब पिएंगे ना। और रहमान भाई इतने दीवाने की वीडियो शुरू से पहले ही शुरू कर दिया आपने, चाट पहले ही बनवा लेगी। रहमान भाई आप अभी खा लो, लेकिन रिव्यू हमारे साथ भी दीजिएगा और आपने भी रिव्यू देना होगा। डन है, वीडियो शुरू करें भाई। अच्छा भाई, तो देखिए ये रास्ता आ रहा है मलीर जिना एवेन्यू मॉडल कॉलोनी कहलाता है, और लीप रोज बड़ा मशहूर है। फिर इसी तरीके से ये रास्ता मलीर की तरफ मोइनाबाद की तरफ जा रहा है, मोइनाबाद मॉडल कॉलोनी सऊदाबाद की तरफ जाता है ये रास्ता। और लीप रोज के अपोजिट है भाई ये ठेला, और इसकी गूगल लोकेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, लेकिन फिर भी एड्रेस आपको समझा दिया है भाई, तो बातचीत शुरू करते हैं। अच्छा तो भाई इस पानी की वजह से हमें रिकमेंडेशन किए कि भाई ये पानी बड़ा इनका है ना, गोलगप्पों का पानी बड़ा ख़ास होता है, इसके अंदर कुछ ज़रा जड़ी बूटियाँ मसाले हैं ऐसे के बस हट गया, वो बड़ा खालिस तरीके से बनता ही है, और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है यार इसके अंदर से, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या क्या जायका है भाई, क्या जादू है, मतलब भाई क्वालिटी और मेयार, क्वालिटी और मेयार बिल्कुल, मतलब ये बरकरार रखा हुआ है ना माशाल्लाह से, 15 सालों से बरकरार रखा हुआ है माशाल्लाह। क्या 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 चीज़ ऐड करते हो भाई, जो लोग गोलगप्पे की इतने दीवाने हैं आपके भाई? सब में पहले तो ये कहूँगा कि गोल गप्पे का जितना मसाला है वो सब मैं खुद तैयार करता हूँ भून के, सब होममेड होता है। जी जी जी, और इसमें टाटरी नहीं, इमली और सौंठ का पानी होता है। अच्छा बिल्कुल, थोड़ी सी लोकेशन जरा लोगों को बता दे तो आने वाले हैं यहाँ पर आगे। मॉडल कॉलोनी एशिया स्पोर्ट के पास बराबर में बेरेंग शो, और सामने हमारे लीब रोस है। अच्छा भाई, तो ये गोलगप्पे बना रहे हैं आप? जी सर, ये बिल्कुल गोलगप्पे बना रहे हैं, और ये है गोलगप्पे का मटेरियल। अच्छा, ये आपने पहले से अलग करके रखा हुआ है? आलू छोले और मसाला। अच्छा अच्छा, मसाला और एक वही 12 होते हैं तकरीबन, एक प्लेट में 12 होते हैं, 100 रुपए दर्जन प्लेट है। अच्छा, 100 रुपए दर्जन प्लेट, 100 रुपए दर्जन, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी आप ये गोलगप्पे की फिलिंग कर रहे हैं हम। तो देखिए भाई, ये गोलगप्पे की मेरे ख्याल से तकरीबन फिलिंग तो हो गई है, फिलिंग हो गई है मेरे ख्याल से, ये अपना वो डलेगी हमारी है। अब इसमें डालेंगे हम चटनियाँ, चटनियाँ वगैरह डालेंगी ना भाई, ग्रीन चटनियाँ डलेगी। अच्छा भाई, ये खट्टे मीठे जायके के लिए ग्रीन चटनी, खट्टे मीठे जायके के लिए, खट्टे मीठे जायके के लिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मीठी चटनी। अच्छा, ये मीठी चटनी, ये मीठी चटनी, ये मीठी चटनी साथ। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें दही, दही है हमारा जी, ये दही आ गया। अच्छा, दही भी आप मतलब बिल्कुल फ्रेश यूज़? बिल्कुल फ्रेश होता है ना भाई वो दही, थोड़ा जैसे खट्टा वट्टा होता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हर चीज़ फ्रेश होती है माशाल्लाह। प्लेट हो गई तैयार। अच्छा भाई, ये पानी क्या अब आएगा इसमें? पानी पानी का जरा बताओ, पानी है क्या, खास पानी है या फिर पानी में खालिस पानी है? टाटरी के बगैर होता है, इमली और सौंठ का है, 12 मसाले डले होते हैं। अच्छा, इमली और सौंठ का, इमली और सौंठ का खालिस पानी, मसाले तो काफ़ी डले हैं इसमें, धनिया है, जीरा है, मिर्ची है, अच्छा पुदीना है, खालिस पानी बना होता है, सौंठ और इमली का। मतलब लोग ज़्यादा आपके गोलगप्पे से ज़्यादा आपके पानी के दीवाने हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ भाई, वाह, जो एक दफ़ा खाता है इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर आता है। छोले हैं ये कौन से स्टाइल के हैं ये छोले वाले जो ये हमारा बर्मा चना होता है? अच्छा, बर्मा चना होता जी हाँ, जायके वाला होता अच्छा, है अच्छा, अच्छा, छोटा अच्छा, चना बर्मा चना तो खैर काफ़ी मज़े का होता है जी, जायके में मैंने दो तीन वीडियोस में यही होता है बर्मा चना। ये कौन सा चाट मसाला है? चाट मसाला हमारा आ गया, ये इमली का, ये इमली का पानी आ गया हमारा जी, इमली का पानी। ये क्या वो रायता? रायता है, रायता है ग्रीन जी, दही का और पुदीने का, दही और पुदीने का रायता है भाई। प्याज आ गया, प्याज हरा धनिया इसमें डाला हुआ है माशाल्लाह से। ये नींबू का तड़का जी हाँ, ये देखिए भाई नींबू का तड़का लग गया। चलो भाई अब एड्रियन हमारी पापड़ी हम डालेंगे, ये देखिए भाई पापड़ी आ गई, वाह। और ये हमारी दही आएगा साथ जी जी, वाह भाई वाह। भाई चले भाई, ये प्लेट देखें तैयार हो गई, और अब इंशाल्लाह खाते हैं और आपको खाकर बता देंगे इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई रहमान भाई की रिकमेंडेशन पर आया हूं यहां पर, तो रहमान भाई क्या क्या अच्छा है यहाँ का? देखिए भाई, गोलगप्पे जो है ना स्पेशली कहते हैं कि आगे ना गोलगप्पे बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन आपके हाथ में वैसे चाट है, मेरे ख्याल से आप स्विच करो, या तो फिर आप पहले गोलगप्पे ट्राई भाई करो। ये सुना है मैंने, ये जो उनका पानी है ना, ये सौंठ का पानी है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है इसमें ना। आपके साथ साथ जो है ना मैं भी ले लेता हूँ, बहुत मज़े के हैं आप, ये थोड़े स्वीट थे और मुझे ना मीठे गोलगप्पे पसंद है। अच्छा, हमेशा से ना ये जो पानी है
ये जहाँ भी पानी पिया है ना मैंने, मुझसे पिया नहीं जाता ये, तो मैं ट्राई करता हूँ इसे पीने की। टाटरी नहीं है इसमें, आप सब पी सकते हो। मतलब मेरे हिसाब से बहुत कम खट्टा है यार, मतलब इससे अच्छा पानी मैंने अभी तक नहीं पिया भाई, क्योंकि मुझे खट्टा पसंद नहीं है ज़्यादा। तो खवातीन को ज़्यादा खट्टा पसंद आता है, लेकिन पानी अच्छा है, गले में लग नहीं रहा है, और गोलगप्पे ज़रा क्रिस्पी है इनके, और छोले अच्छे हैं उसके अंदर। डेली भाई ये इनका माल जो है ना ख़त्म हो जाता है, और ये नया लेकर आते हैं। ये नहीं है कि आज का रखा हुआ है तो वो कल भी इस्तेमाल हो रहा है। अरे डेली नया बनाते हैं, डेली नया बनाते हैं ये जो फ्रेशनेस ज़रा आ रही है आपको गोलगप्पे का। क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहे हैं ना तो भाई। तो 150 की चाट है ज़रा, ये चाट के रेट इनके ज़्यादा हैं, क्योंकि अमूमन बड़ी जगहों के 150 रुपये होते हैं, लेकिन देखते हैं। है मसालेदारी, दही भल्ला इसके अंदर, छोले अच्छे हैं, और स्पाइसी रेजर नज़र के नज़र आ रहे हैं। आप खाएं भाई चाट पहले, मेरे हिसाब से आपको गोलगप्पे जो है ना ज़्यादा पसंद आएंगे। भाई ये देखें, मैं भी खा रहा हूँ साथ। यार चाट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आउटस्टैंडिंग है, अच्छी चाट है लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। मसाले अच्छे हैं, छोला मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा ये अपने अपने सारे तो पकाने का, छोला सही है, गला हुआ सही है, प्रॉपर है, दही अच्छा है, मगर बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है। मैं उसको कराची की टॉप चाट में शामिल ना करूँ मैं। रहमान आप क्या कहोगे? देखिए भाई, मैंने आपको पहले बताया था इनके गोलगप्पे जो है ना वो आपका दिल जीतेंगे, और ऐसा ही हुआ है, गोलगप्पे बहुत मजे के। चाट भी अच्छी है, क्योंकि जैसे आपने कहा, खैर हम तो खाते रहते हैं और मज़े की लगती है, लेकिन गोलगप्पे जो है ना भाई, आप भाई गोलगप्पे वाकई गोलगप्पे का जवाब नहीं है। तनवीर भाई ने तो देखिए, क्या हो सकता है मैंने मुझसे गलती की होगी कि मैंने चाट बाद में खाई, गोलगप्पे पहले खा लिए ना। एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी आप गोलगप्पे ही रेट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया गोलगप्पे भाई यहाँ के जो है ना आउटस्टैंडिंग है। यार जो उसका पानी है ना सूंड का, उसकी जो खुशबू है, उसका जो जायका है, वो बहुत अटके है। मतलब इस पानी की वजह से लाजमी आइएगा, गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं लेकिन पानी तो उनका बहुत क्लास का है। तो इस वीडियो को सलाम करते हैं, मैं पानी पी रहा हूँ। बिल्कुल आप पानी पिए, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।